हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई 2024 का प्रिपरेशन यूट्यूब से करना चाहते हैं। इन स्पेसिफिकली जो हमारा चैनल है मोहित त्यागी चैनल, जिसपे तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़े हुए हैं, तो तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है, क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है, जहाँ से बच्चा मेन से लेकर एडवांस तक की पूरी प्रिपरेशन करना चाहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं कि इस वीडियो का फ्लो क्या होगा। तो इस वीडियो में आई विल डिस्कस सबसे पहले चैप्टर सीक्वेंस, मतलब किस सीक्वेंस में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए इस चैनल से, विच इज़ द सजेस्टेड सीक्वेंस। वैसे तो देखो 13 में जो बच्चा आया है, अगर उसने 11th और 12th किया है तो बेसिक नॉलेज तो उसको होगी ही बोर्ड की तरफ से। तो चैप्टर का सीक्वेंस अपने हिसाब से काफ़ी कुछ ट्विक भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा किसी भी चैप्टर में बिल्कुल ही जीरो होगा, बट फिर भी हमारा सजेस्टेड सीक्वेंस क्या है, दैट वी विल डिस्कस। सेकंड पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो नए नए आते हैं उनको ये बात हजम नहीं होती कि इतना अच्छा मटेरियल फ्री कैसे डाल दिया, इज इट सफिशियंट, तो उस बात का आई विल ट्राई टू आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज विल ओल्ड वीडियो बी फाइन, मतलब इस चैनल पे जो चैप्टर काफ़ी मैथमेटिक्स के स्पेशली जो वीडियो हैं वो ओल्ड वीडियो हैं, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कुछ नई चीज़ थ्योरी में आ गई होगी, या फिर इज़ इट सफिशियंट आज की डेट में भी। और बाजार में भी बहुत सारे लोग भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस इससे इफेक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे YouTube चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, जो कहीं महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जिस भी कोचिंग को हर्ट होता है, इकोनॉमिकली हर्ट होता है हमारे चैनल की वजह से, वो भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी आई विल आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी, इज़ इट पॉसिबल टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे, ताकि हमारा जो फोकस है वो पूरा गोल के ऊपर रहे और इधर उधर हमारा टाइम वेस्ट ना हो, उसका भी आई विल आंसर। और उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि हाउ यू कैन डू इट। फिफ्थ इज मटेरियल सिलेक्शन, मतलब ठीक है जो थ्योरी है वो तो कम्प्लीटली अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट मटेरियल कौन सा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए उसका आई विल आंसर। देन सिक्स्थ पॉइंट इज टेस्ट सीरीज, कि चलो आपका थ्योरी हो गया, आपका मटेरियल हो गया, बट टाइम टू टाइम टेस्ट देना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सीधा एग्जाम के टाइम पे जाके अगर टेस्ट देने की कोशिश करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेवेंथ इज़ हाउ टू स्टे ऑन द ट्रैक, मतलब अगर आप घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम कैसे ट्रैक के ऊपर रह सकते हैं, उसके भी तरीके मैं बताऊँगा, इफेक्टिव तरीके हम बताएंगे, प्रैक्टिकल तरीके के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट पार्ट हो गया यूट्यूब और पेड बैच, मतलब कुछ बच्चों को ये होगा कि मैं पेड बैच लूँ कहीं का भी, ये ठीक है कंपटीशन का भी हो सकता है और कहीं का भी हो सकता है, या फिर यूट्यूब से मेरा काम चल जाएगा, तो उसका भी आई विल ट्राई टू आंसर। तो लेट्स गो वन बाय वन। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज चैप्टर सीक्वेंस फॉर ड्रॉपर्स जेई 2024 एस्पिरेंट। तो ये जो वीडियो स्पेसिफिकली जेई 2024 एस्पिरेंट्स हैं जो मेन्स एंड एडवांस देना चाहते हैं 2024 में, तो प्राइमरली ड्रॉपर्स ही होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 12th में हो और जिनका किसी भी रीजन से अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ हो, या फिर कहीं कोचिंग में गलत जगह फंस गए हों, पैसे उन्होंने दे दिए, काफ़ी खर्च कर दिए हों, और अब वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो दोबारा पैसे खर्च कर पाएँ। तो ऐसे बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है कि वो जो बचा हुआ टाइम है उसमें पूरा सिलेबस एक बार फिनिश करके 24 में अभी भी वो अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर सीक्वेंस है, तो चैप्टर सीक्वेंस में मैं बताता हूँ, सबसे पहले सेट्स चैप्टर है, जो सेट चैप्टर है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री मतलब हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर तुम हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर केमिस्ट्री की मिलेगी, उसके नीचे मैथमेटिक्स में कैलकुलस, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर डाल रखे हैं ऑफकोर्स, एंड उसमें मेन्स स्पेसिफिक टॉपिक डाल रखे हैं, एक उसमें टॉपिक सेट्स एंड रिलेशन है, तो उसमें रिलेशन वाला पार्ट अभी के लिए छोड़ दें, केवल जो सेट वाला पार्ट है सबसे पहले वो करें, ये तो पहला चैप्टर हो गया। दूसरा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये बेसिकली आपको एलजेब्रा में मिलेगा, और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ पे हमारे जो चैनल है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से है, ये ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स, इसके बाद उसमें एक लॉग की भी प्लेलिस्ट है, तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉग मिलके फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बनाता है। तो सबसे पहले सेट्स हो गया, फिर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको रिलेशन मिलेगा, तो रिलेशन वही सेट्स एंड रिलेशन वाला जो पार्ट है, अब जो बचा हुआ पार्ट है रिलेशन का वो आप कर सकते हो। उसके बाद ये फंक्शन आ गया, ये ऑफ कोर्स कैलकुलस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिलेगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सेवेंथ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स हो गया, और एट्थ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, नाइन्थ चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, ये ऑफ कोर्स अलजेब्रा के अंदर मिलेंगे दोनों। टेंथ चैप्टर स्ट्रेट लाइन, इलेवेंथ चैप्टर सर्कल, ये दोनों चैप्टर ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मिलेंगे। ट्वेल्थ चैप्टर वापस कैलकुलस से स्टार्ट कर लेते, लिमिट क्वांटिटी एंड ये डिजायरेबिलिटी नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, देन मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। तो ये पहले 15 चैप्टर हो गए, अभी और भी चैप्टर हैं, टोटल 25 चैप्टर्स हैं। इसमें से मैं आपको कुछ ये बोलना चाहूँगा कि जैसे इस स्टैट्स वाला चैप्टर हो गया, ये एक फ्री फ्लोटिंग चैप्टर टाइप है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ रखो। किसी भी रीज़न से अगर आप चाहते हो कि इसको मैं बाद में करूँ, ये मेन्स स्पेसिफिक टॉपिक है, अब तो खैर इसको एडवांस में भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो इसको आप कहीं पे भी कर सकते हो, मतलब इसको ऊपर भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें एज सच कोई सीक्वेंस का नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आएगा, ये आगे पीछे कर सकते हैं, इसको हम फ्लोटिंग रख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स जो स्ट्रेट लाइन और सर्किल है, तो स्ट्रेट लाइन के बाद ही सर्किल कर सकते हैं। सिमिलरली जो कैलकुलस है उसमें फंक्शन, फंक्शन के बाद लिमिट, लिमिट के बाद, मतलब ये सेम सीक्वेंस ही होनी चाहिए फंक्शन से लेके यहाँ तक। और जो ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो फंक्शन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत फंक्शन का यूज़ होगा। बट फंक्शन के बाद, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का भी यूज़ होगा, तो फंक्शन इसका प्री रिक्विजिट है, बट उसके बाद इसको कभी भी कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये है, वैसे मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपनी तरफ से कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, फिर तुम्हें लगेगा यार ये सही था, पहले सही था। तो उसकी बजाय जो यहाँ पे बोला जा रहा है उसी से फॉलो करो। अल्टीमेटली हमें सिलेबस तो पूरा ही फिनिश करना है, तो अगर तुम इसी को फॉलो करोगे तो तुम्हारे ऊपर से वो टेंशन हट जाएगा सीक्वेंस वाला। और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आपका जो टाइम है वो खर्च ना हो, वेस्ट ना हो। चलिए आगे चलते हैं। 15th के बाद 16th चैप्टर इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है कि पैराबोला और फिर एलिप्स एंड देन हाइपरबोला, ये इसी सीक्वेंस में पढ़ना है ये, ठीक है? पहले पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, फिर वापस इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एरिया अंडर द कर्व। तो जो कैलकुलस वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये इसी सीक्वेंस में है, मतलब इनडेफिनेट के बाद ही तुम्हें डेफिनेट मिलेगा, फिर एरिया मिलेगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर JEE, दैट इज वेक्टर इन 3D, जिसका लगभग मेंस और एडवांस में दोनों में ही लगभग 10% के आसपास वेटेज रहता है। हमने पिछले 15 साल के पेपर का एनालिसिस करके एक वीडियो भी बनाया था JEE 23 मेंस से पहले, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एस सच सिलेबस से हटा दिया, बट JEE 2023 के अंदर भी इसका एक क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर, तो मेरे हिसाब से इसको एक बेसिक लेवल तक तो तैयार करना ही चाहिए, मतलब एक बार लेक्चर देख लो, बहुत ज़्यादा भले, क्योंकि ये वैसे भी चैप्टर थोड़ा सा टफ है, टफर साइड में है, बट एक बार लेक्चर तो देखना चाहिए कम से कम। साइन रूल, कोसाइन रूल, ये ठीक है, साइन रूल और कोसाइन रूल ये तो बेयर मिनिमम कर ही लें, और आगे अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले और कर लेते हैं, या जो एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, तो उनका यूज़ हो सकता है कि सीधा सीधा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर ना है, बट और किसी चैप्टर में इसका यूज़ हो सकता है। देन हमारा आ गया बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हमारा सजेस्टेड सीक्वेंस हो गया कि हमारे हिसाब से बच्चे को, हमारे चैनल से अगर खुद पढ़ रहा है वो बच्चा, तो इस सीक्वेंस में उसको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो तुम्हारे दिमाग से वो प्रेशर हट जाएगा कि कौन सा चैप्टर पहले करूँ, कौन सा बात करूँ। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ कुछ चैप्टर बच्चे क्या करेंगे, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट किया उसमें उसको मज़ा नहीं आया तो फिर वो छोड़ के दूसरा चैप्टर करेंगे, ये चीज़ ना करें, ये एक बहुत स्पाइरल वाली चीज़ है, वो तुम्हारी प्रिपरेशन को नीचे खींच लेगा। तो स्ट्रिक्टली यही फॉलो करें, चाहे वो समझ में आए चाहे ना आए,
ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो आपको और टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, और समझने की कोशिश करो, और टाइम दो। ये नहीं कि हम उसको स्किप करके आगे आ जाए, तो बस वहीं से प्रिपरेशन हैफ हैजर्ड होना शुरू हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, इज दिस सफिशिएंट। पहला तो ये हो गया, दूसरा थर्ड क्वेश्चन हो गया, विल ओल्ड वीडियो बी फाइन। तो देखो इसका आंसर मैं ऐसे देता हूँ, स्पेशली जो बच्चा 13th में जा रहा है उसने 11th और 12th का सिलेबस कर लिया होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 11th और 12th में कहीं प्रिपरेशन किया होगा, अब वो दोबारा प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। तो देखो अगर इस लेवल पे हमने डिसाइड किया ड्रॉप लेने का IIT JEE के लिए, तो हमें इतना IQ तो होना चाहिए कि मैं लेक्चर देख के समझ पाऊँ कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का एज सच मेरे दिमाग में उठना ही नहीं चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर तुम मेरे ही मुँह से सुनना चाहते हो तो मैं बता दूँ, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को अगर स्क्रॉल करके नीचे कमेंट्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि हमारे चैनल बाकी चैनल में डिफरेंस क्या है। बाकी चैनल में तो हा हा ही चल रहा होगा कि सर ने शर्ट अच्छी पहनी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो भी एकेडमिक वीडियोस हैं, एकेडमिक वीडियोस मतलब जो पढ़ने वाले वीडियो, कुछ वैसे वीडियोज़ भी होंगे जिसमें ज्ञान दिया जाता है या फिर जिसमें स्ट्रैटेजी बताई जाती है, जैसे ये वाला वीडियो हो गया। इसको अगर हम छोड़ दें, जो पढ़ने वाले जिसमें थ्योरी पढ़ाई जा रही है उससे रिलेटेड जो वीडियो होगा उससे रिलेटेड नीचे कमेंट देखोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें पढ़ने की बात ही चलेगी। हमारे चैनल से मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे, सीरियस बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। और हमारे चैनल का अब इसे ये बोल सकते हैं दुर्भाग्य है या USP बोल सकते हैं, ये ऐसा चैनल है जिसको बच्चा शेयर ही नहीं करता ताकि उसको लगता है कॉम्पिटिशन ना बढ़े। ये पिछले कई सालों से हमारा दुर्भाग्य कि जिस बच्चे को एक बार पता लग जाता है उसको वो फिर दूसरों को किसी को शेयर नहीं करता। एंड मैनी टाइम्स यू विल फाइंड कमेंट कि एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरी 112 रैंक आई है और मैंने आपके चैनल से पढ़ाई किया। दिस इज़ वेरी यूजफुल फेनोमेना फॉर आर चैनल। मतलब जो क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट है, इस साल भी एक बच्चा टॉप 100 के अंदर ऐसा है कि वो किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है अपने फर्स्ट बैच में, बट वो एक सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारे चैनल से पढ़ रहा है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। तो अगर तुम मेरे से पूछो कि तुम ये मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं है, मैं बोलूँगा तुम्हारे पास दिमाग सफिशिएंट है या नहीं है ये समझने के लिए। जो मटेरियल है बेसिकली वो हमने बिल्कुल मेंस से लेके एडवांस तक का पूरा कर रखा है। अगर तुम मेरे मुँह से सुनना चाहते हो तो कम्प्लीट मटीरियल है और कोई भी रैंक एस्पायर किया जा सकता है। जैसा भी मैंने बोला कि टॉप 100 के अंदर वाला बच्चा भी पढ़ता है तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस मटेरियल। हमारे जो भी टीचर्स हैं वो कोटा में सिस्टम में उन्होंने टॉप बैचेस में पढ़ाया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि जो उनकी आंखों के सामने से ना गुजरा हो। जो भी रेलेवेंट चीज़ है वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा, आपको और किसी भी तरह की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ मोर देन सफिशियंट, आई वुड से। मोर देन सफिशियंट का मतलब तो ये है कि अगर कोई बच्चा 80% भी समझ पा रहा है या कर पा रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशियंट, देन ऑल्सो ही कैन क्रैक ईजिली रैंक विद इन 2000। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और इसमें देखो एक चीज़ मैं और ये बोलूँगा कि सफिशिएंट तो है ही, बस जो पढ़ाया गया है। कुछ कुछ बच्चे इसमें ये बोलते हैं, आजकल देखो बहुत सारे चैनल ऐसे भी खुल गए हैं जहाँ पे मिसगाइड किया जाता है, उल्टी सीधी चीज़ें बोली जाती हैं। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब ये चैनल खोला था तो उसका केवल एक पर्पज़ था कि जो बच्चा लोअर मिडिल क्लास का गाँव में बैठा हुआ है उसको हम क्या दे सकते हैं, वो कैसे उस जिसे बोलते हैं ना कि अपनी जो पेरिफेरी है कि उसको ऊपर उठना है, उसको पूरे परिवार को ऊपर उठाना है, तो वो कैसे कर सकता है, वो पढ़ के ही कर सकता है, पढ़ाई के थ्रू ही कर सकता है। बिजनेस तो उसके पास है नहीं, पैसा उसके पास है नहीं, पापा कुछ करा नहीं सकते, एक्सपेंसिव जगह पे एडमिशन नहीं दिला सकते, तो उसके पास केवल एक रास्ता बनता बचता है कि वो अच्छी तरह मेहनत करे और अच्छी रैंक लेके आए और फिर अपने पूरे ही परिवार का भाग्य पलट दे। तो उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, तो वो सहयोग हम ये कर सकते हैं कि जो बच्चा कोटा में जाके फर्स्ट बैच में पढ़ता होगा वो जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उसी के घर पे। इस सोशल कॉज के साथ हमने ये चैनल स्टार्ट किया था 2013 में। मतलब बहुत सारे तो लोग अभी पिछले एक दो साल में ये करना चालू किया है, बट उनका इंटेंशन टोटली ऑफकोर्स मार्केटिंग करना है, हमारा मार्केटिंग करना नहीं है। तो इसीलिए हमने बहुत स्लो पढ़ाया, हमें पता है कि जो बच्चा है वो किसी से डाउट नहीं पूछ पाएगा। तो मेरे को अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे दिमाग में वो हजारों 10,000 क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में जो बच्चों ने मेरे से ओवर द पीरियड पूछा होगा। उसमें बहुत सिली डाउट भी होगा, जिसको बच्चे को लगता है कि बहुत सिली डाउट है वो भी होगा।
अगर वो सिली डाउट भी मेरे से 10 बार पूछा या 50 बार पूछे तो मेरे को पता है कि बच्चे के दिमाग में ये हो सकता है आ रहा हो, तो मैं उसको इनकलकेट करता हूँ अपनी टीचिंग में. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर टीचर्स एंड टीचर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मतलब जो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है वो तो मोरल सेम ही है, मतलब एफ बराबर एम ए हो तो सभी के लिए एफ बराबर एम ए, उसमें हम कोई नया फॉर्मूला थोड़ा बता देंगे. बट जो ये पेरीफरी में जो टीचिंग होती है ना कि आपके दिमाग में देखो ये आ रहा होगा, ये ठीक है, ये इसलिए गलत है, वो आपके दिमाग में आने से पहले ही हम क्लियर कर देते हैं. ये ठीक है, इस ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस टीचर एंड ए न्यू टीचर जिसको बोलते हैं, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है. एक्सपीरियंस भी बेसिकली बच्चे ही हमें सिखाते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या मेजर डाउट आते हैं वो हम अपने इनकल्केट करते हैं. तो जो थ्योरी पढ़ाई गई वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया गया है. किसी कोई भी जो एवरेज आईक्यू का मोटिवेटेड बच्चा है ही शुड बी एबल टू फॉलो इट कम्प्लीटली. इवन अगर 80% भी एक चैनल फॉलो एक चैप्टर फॉलो होता है तो भी ये सफिशिएंट है एंड यू कैन एस्पायर फॉर एनीथिंग. फिर इसके बाद आता है कि कुछ जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं, ये तो ओल्ड वीडियो है. ओल्ड वीडियो तो थ्योरी थोड़ा चेंज हो गया, जेई तो पहले ज़्यादा टफ आता था, आजकल की टाइम पे उसको काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया है. पहले तो जब सब्जेक्टिव पेपर आता था 2001 से मतलब 2005-06 तक जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो पेपर बहुत टफ आता था. अब तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि पेपर टफ हो ही नहीं सकता, काफ़ी उसको डाइल्यूट कर दिया गया है. ठीक है, ऐसा बोलने पे देखो कुछ बच्चों को लग सकता है नहीं मैंने तो 2007 का पेपर देखा था वो तो बहुत इजी था. वो इसलिए इजी था क्योंकि उससे रिलेटेड वो जो क्वेश्चंस आए थे वो तुम्हें इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि उससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट क्लास में आजकल पढ़ा दिया जाता है. जब वो पहली बार उस टाइम पर आया था वो उतना ही टफ था जितना अभी पेपर टफ आता है. अभी जैसे हम बोलते हैं मैथ्स आजकल बहुत टफ आ रहा है, कुछ नहीं पहले बहुत टफ आता था. तो जो थ्योरी पढ़ाया गया है वो कम्प्लीटनेस है, मतलब इससे ज़्यादा थ्योरी हमें चाहिए ही नहीं, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. बस कुछ कुछ इक्का दुक्का चीज़ें ये होती हैं कि हो सकता है कि एक आध मैनिपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हों पिछले 4-5 साल में. थ्योरी वाला पॉइंट तो कुछ नहीं होगा, मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत ये हो सकता है, मैनिपुलेशन वाला चीज़ हो गया. तो देखो उसका भी हम ये कर सकते हैं कि जब तुम कोर्स फिनिश करोगे उसके बाद PYQs तो करोगे ही करोगे, तो वहाँ पे वो वाला चीज़ कवर हो जाएगा अगर कुछ भी इक्का दुक्का पॉइंट ऊपर नीचे आया हो. और अब PYQ भी बेसिकली पिछले 10 साल के अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हैं. तो इसलिए इफ़ यू वांट हमने Amazon पे एक बुक डाल रखी है PYQs के नाम से ना, इम्पॉर्टेंट PYQs, ठीक है, कॉम्पिटिशन की ही बुक है, तो यू कैन बाय दैट ऑल्सो. मतलब इसमें हमने क्या किया, बहुत मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे हमने डाल रखा है ऐसे ही बच्चों के लिए. तो इसमें हमने क्या किया कि पिछले 3-4 सालों में 4-5 सालों में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा खुद करने बैठेगा वो तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एक जैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक ही काम बार बार रिपीटेटिव वे में करना इज़ नॉट अकलमंदी. तो हमने उसमें से जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं या जो डिफरेंट चीज़ सिखा रहा है उनका एक कलेक्शन बना के हमने एक PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन JEE मेंस के वो हमने Amazon पे डाल रखा है. तो दैट बुक इज़ अवेलेबल, इफ़ यू वांट यू कैन बाय दैट बुक. उसमें जितना कॉस्ट हमें पड़ा है उतने का ही हमने डाला है, मतलब कुछ पैसा ऑफकोर्स Amazon को भी जाता है, हमें एक उसमें सिंगल पैसा भी नहीं बच रहा है, मैं ये आपको बता सकता हूँ. तो अगर आपके पास PYQ ऑलरेडी है तो तुम वो भी कर सकते हो. तो ऐसा कर सकते हैं कि जो भी चैप्टर तुमने फिनिश किया उसके बाद हम उसके PYQs भी लगा सकते हैं, ये ठीक है. तो दैट वे जो अभी करंट के क्वेश्चंस आए होंगे दैट इज ऑल्सो एड्रेस्ड. तो आई होप दिस आई हैव एड्रेस्ड. आगे चलते हैं, फोर्थ, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी. देखो YouTube में क्या होता है कि यूजली जैसे कोई हमने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने की कोशिश किया, एक वीडियो देखा, तो साइड में सजेशंस आ जाते हैं उल्टे सीधे वीडियोस. अब वो जो साइड में सजेशंस आते हैं वो बेसिकली तुम्हारी हिस्ट्री के हिसाब से आते हैं. मतलब अगर मैंने कोई पहले गाना देखा होगा तो उसमें एक गाने का भी सजेशन आ रहा होगा. एक तो ऑफकोर्स जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड जो दूसरे चैप्टर दूसरे चैनलों ने जो कॉन्टेंट डाला होगा वो भी आ रहा होगा, बट तुम्हारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी आता है उसका. मतलब एल्गो ऐसे वर्क करता है कि अगर मैंने कभी गाना देखा होगा तो हो सकता है गाना हो, मैंने कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ देखी होगी तो वो भी होगा. तो ऐसे केस में या फिर कोई लाइव चल रहा होगा तो वहाँ पे भी हो सकता है कोई गप मार रहा हो फिर मेरा मन करे कि मैं उधर जाके देखूँ. तो इसलिए डेफिनेटली एक तो देखो अगर हम
मान लिया YouTube से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली रीज़न ये होगा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो साल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, आपकी पूरी लाइफ के इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जो भी आपका करियर है आगे 30-40 साल का, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप अगले 6 महीने में 8 महीने में क्या कर रहे हो। तो एक तो अपने अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हम उन चीज़ों की तरफ जाएं ना, पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर भी बच्चे हैं, भटक जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है, वापस हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है, वो है टीम कॉम्पिटिशन के नाम से, टीम कॉम्पिटिशन। इस पे आपको यही जो हमारे YouTube वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, तो वहां और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यू कैन इंस्टॉल दिस ऐप और इस ऐप से पढ़ाई करें, तो हमें फालतू का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कोई तुम्हें उल्टे सीधे सजेशंस नहीं आएंगे, सीधे अपने काम की बात पढ़ेंगे। सीक्वेंशली वीडियो लगे हुए हैं, और इफ़ आई कैन शो यू, ये ऐप है JEE नीट प्रेप बाय रियल गुरुज, ये टीम कॉम्पिटिशन की ऐप है। ये तो मतलब इसका वेब वाला मैं पेज दिखा रहा हूँ, ऐप पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके देखोगे तो ये दिख जाएगा। इस ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं ये, ठीक है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ऑफ कोर्स मोटिवेशन तो आपको लानी ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें जो हमने YouTube के वीडियोस डाल रखे हैं वो पारस नाम के कोर्स में डाल रखे हैं, ये ठीक है। अब ये कोर्स कहने के लिए है, यू हैव टू रजिस्टर, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपये। उसमें जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपका अपने आप कोर्स ओपन हो जाएगा, ये ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं कि आपसे कोई क्रेडिट कार्ड किया कुछ मांगा जा रहा है, कुछ भी नहीं, बस वो एक कोर्स की तरह हमने बना रखा है ताकि बच्चे को वो फीलिंग आए कि वो कोर्स कर रहा है। और दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, पारस नाम का कोर्स है, वो आप उसमें इनरोल करोगे। इनरोल करने के लिए मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक क्लिक है इनरोल, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडीज़। फिर देखो नेक्स्ट आता है मटेरियल सिलेक्शन की। थ्योरी तो चलो हमारे यहाँ से हो गया, अब मटेरियल हम कैसे पढ़ें? तो देखो कोई भी मटेरियल कर सकते हो वैसे तो, अगर किसी ढंग की जगह से आपने मटेरियल लिया है तो मोर ऑर लेस 70-80% तो एक जैसे ही मटेरियल होगा। पर इसमें मैं कुछ चीज़ें बोल देता हूँ। यूजली अगर तुम उल्टे सीधे चैनल देखोगे तो वहाँ पे तरह तरह के ज्ञान देंगे, ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, रेड बुक कर लो, येलो बुक कर लो, इस तरह की चीज़ें से बचना चाहिए। मेरे को लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करोगे तो कर नहीं पाओगे कुछ, वो बस ऐसे ही रखा रहेगा। और दूसरा ये भी होता है कि कोई बच्चा अगर मान लिया एक बुक खरीद ली उसने, जो भी एक पॉपुलर बुक है वो बुक खरीद लिया, उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर 500 क्वेश्चन है, बच्चे को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि अगर मैंने ये फिनिश नहीं किया तो यार मेरी इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं है, तो इसलिए आई विल प्रेफर कि आपके पास अगर किसी कोचिंग का मटेरियल हो, ये ठीक है, जो भी मेन लाइन की कोचिंग्स हैं, ये ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी छोटे से कस्बे में कोचिंग हो, छोटे से जिले में कहीं कोचिंग हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन ऐसे उठा के डंप कर रखे हों, तो क्योंकि मटेरियल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये ठीक है, मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस को सीक्वेंशली और जैसे बोलते हैं ना कि ग्रेडेड फॉर्म में नहीं डाला गया है, पहले टफ क्वेश्चन डाल दिए, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है, ये ठीक है। हमारा जो मटेरियल है उसमें हमने क्या किया है कि जैसे एक्सरसाइज 1 है वो मेंस स्पेसिफिक है, वो मेंस को टारगेट करता है, फिर एक्सरसाइज 2 है वो एडवांस को टारगेट करता है, एक्सरसाइज 3 इंपॉर्टेंट PYQs डाल रखे हैं मेंस एंड एडवांस के, तो इस तरीके से ग्रेडेड है। तो इफ़ यू वांट हमारा DLP भी आप बाई कर सकते हो, उसके अंदर टेस्ट सीरीज अपने आप आ जाएगा, बट इफ़ यू डोंट वांट तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपके पास मान लीजिए कोई कोचिंग मटेरियल है, बस मटेरियल की शर्त यह है कि ऑफकोर्स आपके पास अगर केवल बुकलेट है और उसका सोल्यूशन नहीं है तो फिर दिक्कत होगी ना, अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो कहाँ जाके देखोगे। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, मैं एक बार वापस करता हूँ, कुछ बच्चे आजकल ये करते हैं एक एक क्वेश्चन जाके वो नेट पे सर्च करने लगते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई चौपट है बिल्कुल, अभी मैं पहले बताता हूँ 0 पढ़ाई होगी ऐसे। तो जो भी आपका मटेरियल है उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, तो ऐसा मटेरियल लाने की कोशिश करें जिसका सोल्यूशन हो, ये ठीक है, आंसर नहीं सोल्यूशन भी हो, ताकि कोई क्वेश्चन फंसे तो मैं उसको देख तो पाऊँ। वरना क्या होगा कि अगर एक क्वेश्चन फंसेगा और बच्चा अगर थोड़ी मान ली उसने ट्राई किया 15-20 मिनट ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, तो फिर उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल मतलब जैसे होता है स्टॉप हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता जब तक उसको उसका सोल्यूशन ना मिले, जब तक वो उसकी डायमेंशन सेटिस्फाई ना हो, तो दैट इज़ ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आई विल प्रेफर कि किसी कोचिंग का मटेरियल हो प्लस उसका सोल्यूशन होना चाहिए, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, कोचिंग का मटेरियल ऐसा होता है कि कहीं कहीं बुक स्टोर पर हमें 1-2 साल पुराना भी मिल जाता है,
वो बहुत सस्ता मिल जाता है, हो सकता है 400-500 रुपये में मिल जाए, या फिर वो दैट इज़ फाइन, मतलब मैं ये बोला कि वो फाइन है, अगर आप वो मटेरियल तो चलता है बिल्कुल, 4 साल पुराना है चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई सीनियर हो, उन्होंने तैयारी की हो, उनका जो मटेरियल आप वहाँ से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली हम क्या ना करें, देखो बुक्स में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बुक्स में क्या है, क्वेश्चन यूजली डम्प्ड रहते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चा इसी में कन्फ्यूज रहता है, मैं करूँ कौन सा, छोड़ू कौन सा। और मैंने देखा है बच्चों की प्रिपरेशन को चौपट होते हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो एक ये वाली चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। और फिर भी अगर मान लिया नहीं मिल रहा कोई मटेरियल, तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि फिर आप ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से कर लो, ठीक है। बुक में एक ऐसी एक्सरसाइज उठाओ, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो बुक में आप ऐसा कर सकते हो, अगर उसके अंदर सॉल्व एग्जांपल हैं, अगर तो केवल सॉल्व एग्जांपल करो, बाकी सब छोड़ दो। क्योंकि अगर मतलब मेन लाइन की बुक होगी, ठीक ठाक बुक होगी, तो उसमें सॉल्व एग्जांपल ही 50-60 होंगे या 100 होंगे। तो एक चैप्टर में अगर मैंने 50-60 क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो दैट इज़ सफिशियंट, मतलब हमारा प्रिपरेशन ठीक ठाक है। ये मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होगा कि बच्चा ढूंढ ही नहीं पाएगा मैं कौन से क्वेश्चन करूँ कौन से नहीं करूँ। और दूसरा तरीका मैं ये बताता हूँ कि अगर बुक से मान लिया करना ही पड़ रहा है और किसी भी चैप्टर में मान लिया 100 क्वेश्चन है, बट आपको लगता है कि अगर मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊँगा वरना मेरा कोर्स पीछे चला जाएगा, तो 85 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो ऑल्टरनेट क्वेश्चन करो, ठीक है, ऑल्टरनेट क्वेश्चन करो। और जो ऑल्टरनेट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो रिवीजन में कर लेना। एक बार जब तुम सिलेबस खत्म करोगे दिसंबर में, तो भी तो जनवरी से जून तक बहुत टाइम बचता है, वो भी तो 5-6 महीने हैं, उनमें भी तो आपको मटेरियल चाहिए होगा करने के लिए, उस टाइम कर लेना। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया तो मेरी कोई प्रिपरेशन में कमी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल्टरनेट क्वेश्चन करो, छोड़ो, मान लिया और मेरे को 40 ही क्वेश्चन करने हैं, 120 क्वेश्चन है, तो एवरी थर्ड क्वेश्चन करो, ऐसा कोई भी अपना बना सकते हो। और इस एक चीज़ का ये करते समय एक चीज़ का आई विल से कि जरूर ध्यान रखें, बुक्स में क्या होता है कि यूजली ग्रेडेड नहीं होता, उल्टा सीधा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर मैंने 3 ट्राई किया वही बहुत टफ आ जाए। तो देखो वहाँ पे तुम्हें मेंटली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना ना चाहिए, वहाँ रुकना नहीं चाहिए, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए कि यार अभी शुरू के क्वेश्चन नहीं हुए तो आगे जाके क्या होगा, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि अगर बुक से करना ही पड़ रहा है तो फिर थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहें कि अगर 2-4 क्वेश्चन मान लिया या 10 क्वेश्चन भी मान लिया मैंने 50 क्वेश्चन ट्राई किए और 10 क्वेश्चन मेरे को सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आए तो भी चलता है ये, ठीक है, छोड़ो, उतना मेंटली स्ट्रांग रहो। आगे बढ़ने मतलब किसी भी वजह से हमारी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ना आना चाहिए, मैं तो इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। बुक के साथ साथ टेस्ट सीरीज टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, बुक में मैं ये जरूर बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं टेलीग्राम पर जाके ढूंढते हैं मटीरियल ना, तो टेलीग्राम पर काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें भी मिलती हैं, मतलब कुछ कुछ मार्केटिंग वाले लोग क्या करते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, एक फेमस कोचिंग है उसके पेपर वेपर वो फ्लोट करते रहते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के नाम से। अब कोई बच्चा अगर उसको करने की कोशिश करे और उससे क्वेश्चन ही ना हो तो उसका तो कॉन्फिडेंस ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो टेलीग्राम पे जो फ्री का मटेरियल है, जो फ्री का पॉइजन है, वो ना खाएं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। उसका एम तुम्हारा भला करना नहीं है, वो तो जानबूझ के मार्केट में ऐसी चीज़ें फ्लोट करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस टूटे, फिर आपको लगेगा यार मेरे को तो इस कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा तभी मेरी शायद प्रिपरेशन ठीक होगी, अभी तो मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ये तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे मेरे से। तो ये मार्केटिंग टैक्टिस है, ये जरूर अपने दिमाग में रखें कि फ्री का जहर ना खाएं, सीधी सी बात ये। फिर टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो एक दो फैटल मिस्टेक क्या है कि वो क्या एक बच्चा करेगा कि केवल लेक्चर देखता चला जाएगा, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, 0 प्रिपरेशन है, कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आपको 100% समझ में आ रहा हो पेपर में आपसे होंगे नहीं, मैं अभी लिख के देता हूँ। दूसरे बच्चे क्या हैं कि चलो कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, ये भी कर लिए, बट उन्हें वो टेस्ट देने से डरते हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी तो उन्हें लगता है टेस्ट देंगे कम मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। अरे टेस्ट तो कॉन्फिडेंस अभी पढ़ते समय, वो चैप्टर पढ़ते समय उसी से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा प्रेशर होगा, तो एग्ज़ाम में जो प्रेशर होगा, जो गलती करने वाले उसी की तो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी से, और वो प्रैक्टिस 10 दिन में नहीं होती, वो तो पूरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज एक ढंग की जरूर ज्वाइन करें। और फिर जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ उसकी एक कुख्यात टेस्ट सीरीज़ है, वो तो बिल्कुल ज्वाइन ना करें। या फिर कुछ और भी कुछ यूनिकॉर्न्स ऐसे हैं जिनकी टेस्ट सीरीज़ में वो मतलब अपने बच्चों को, क्योंकि उनके पास मोस्टली बच्चा बहुत ही वीक रहता है, तो उनकी टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही लल्लू लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो तुम्हें फॉल्स कॉन्फिडेंस देगा, मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन
कर करके लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, और जब एक्चुअल पेपर देखोगे मतलब फ्लैट पड़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा यार ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं किए हमने। तो दोनों ही एक्सट्रीम पे ना जाएं। मैंने एक कोचिंग के बारे में बात किया जो बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ये भी उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है। दूसरी कोचिंग के बारे में मैं बात किया, वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं, वो बहुत ईजी क्वेश्चन देते हैं। वो ईजी क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि उनके कोचिंग वाले बच्चों को ये लगे कि हाँ उन्हें समझ में आ रहा है। मतलब ये भी उल्लू बनाने का तरीका है, ये भी अंधेरे में रखने वाली चीज़ें। तो दोनों एक्सट्रीम पे ना जाएं, ढंग की टेस्ट सीरीज चूज़ करें। कोई भी अगर मेन लाइन का इंस्टीट्यूट है, मेन लाइन का जो इंस्टीट्यूट है मतलब मिल जाएंगे, इन दो तीनों को छोड़ के, अगर आप इनको भी मेन लाइन में गिनो, इनको छोड़ दो, मेरे को आई थिंक हर बच्चे को समझ में आ गया मैं किस किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। इनको छोड़ के किसी भी मेन लाइन के इंस्टीट्यूट की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी भी कॉम्पिटिशन की भी टेस्ट सीरीज है जो काफ़ी अफोर्डेबल है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन इट, अदरवाइज किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट की कर सकते हैं। बट आई विल से कि टेस्ट हमें ज़रूर देने चाहिए और महीने में कम से कम एक टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए। दिस इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए। देन हाउ टू स्टे ऑन द ट्रैक। ऑनलाइन में पढ़ते समय बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ही होती है, उनका बैकलॉग हो गया, पटरी से उतर गई प्रिपरेशन, मतलब दिन में डिसिप्लिन कैसे रखें। तो देखो अभी हमने एक अपना पेड बैच लॉन्च किया था प्रवीण 2, उसमें मैंने डिटेल में ये डिस्कशन किया है कि ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय दैट बैच, मैं तो ये बोला कि उस वीडियो में, एक घंटे का वीडियो, उसमें डिटेल में हमने ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल को कैसे बना सकते हो। तो जो बच्चा अपने घर पे यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहा है, वो मैं बोलूँगा उस वीडियो को एक बार देखो, शेड्यूलिंग वाला पार्ट देखो उसमें, कि हम पूरे दिन में अपने साइकोलॉजिकल मार्कर कैसे लगा सकते हैं कि ताकि एफिशिएंटली हम काम कर पाएँ। ये ठीक है, मतलब हमें कुछ कुछ रिचुअल्स रखना पड़ता है कि 8 बजे ये करना है, मेरे को 10 बजे ये करना है, ये ऐसे, फिर 1-1.5 बजे खाना खाना है। ऐसे अगर मैं मार्कर लगाऊंगा तो उन मार्कर के बीच में मेरे को पता है कि पढ़ना ही है, इतने बजे मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने बजे फिजिक्स का होमवर्क करना है, इतने बजे मेरे को क्या बोलते हैं रिवीजन करना है। अगर ये चीज़ें तुम्हारी फिक्स रहेंगी तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो की लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उसमें जाके एक बार वो वीडियो देखो। उसमें मतलब बाकी का जो पार्ट होगा बैच से रिलेटेड वो तो आप छोड़ दो, केवल उसमें ये वाला पार्ट देखना कि हम अपने प्रिपरेशन को प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और एक दिन का शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो प्रवीण 2-3 कोई भी बैच लॉन्च वीडियो जो होगा ना उसका क्या पार्ट देखना है, टाइम टेबल वाला, ये वाला पार्ट देखो। तो जो उन बच्चों पे लागू होता है वो भी तो मतलब आपकी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आप पे भी लागू होता है, तो इसको आप फॉलो करो। ठीक है, तो इसकी लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। अब 8th पॉइंट आता है यूट्यूब वर्सेस पेड बैच, मतलब यूट्यूब से पढ़ाई करें या पेड बैच से पढ़ाई करें। तो देखो सीधी सी बात है, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर फाइनेंशियली वेल है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वेल है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, खूब अथा पैसा है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं घर पर जाके पढ़ूंगा। तो देखो ऐसे बच्चे को तो ऐसे कि पेड बैच में पढ़ो, लेकिन क्यों टेंशन लो फिर। तो पेड बैच में तो आपने अपनी टेंशन ना कोचिंग के ऊपर डाल दी कि अब वही डिसाइड करें उन्हें टेस्ट कब लेना है, किस सिलेबस का टेस्ट लेना है, ये ठीक है, कब लेक्चर लेने हैं। जैसे लास्ट में जनवरी में मेंस होगा, ये बात श्योर है, बट जनवरी में हो सकता है 10 जनवरी को, हो सकता है 5 जनवरी को, हो सकता है 25 जनवरी को। तो 5 जनवरी और 25 जनवरी तो 20 दिन का डिफरेंस है, 20 दिन में तो हेर एंड हेवन का डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो उस टाइम पर वो जो डायनामिक डिसीजंस होंगे, तुम क्यों बियर करो, तुम लेने दो कोचिंग वालों को, वो देखेंगे अपनी तरफ से, वो करेंगे अपनी तरफ से जो भी उन्हें बेस्ट करना होगा कि वो कोर्स कैसे ख़त्म करते हैं, रिवीजन कैसे कराते हैं, उस तरह की सारी चीज़ें। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, और ये है कि फिर तुम सोचो कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, तो आई विल से कि नहीं, वो ज़्यादा टेंशन काम है, तो मैं अभी एंथू में ऐसा लग रहा है आगे चल के हो सकता है तुम स्टम्बल कर जाओ। तो अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो पेड बैच की तरफ जाओ, ठीक है। फिर अगर फाइनेंशियली दिक्कत है, ये ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कत है और तुम्हें लगता है कि पेरेंट्स को जेब काट के या फिर अपना कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ये पैसा लाना पड़ेगा, तो फिर आई विल से कि गो फॉर यूट्यूब। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि आपके यूट्यूब में बेटर कंटेंट है या पेड बैच में दोनों कंटेंट बेटर कंटेंट है, तो आई विल से कि दोनों में एग्जैक्टली एक जैसा है। कोई भी तुम्हें पेड बैच में कोई भी ऐसा अमृत नहीं मिलने वाला है जो यूट्यूब पे नहीं है, ये ठीक है। देयर इज कंप्लीटनेस, ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई गई कंप्लीटनेस पढ़ाई गई। तो अगर देखो
इस यूट्यूब चैनल को खोलने का पर्पज़ ही ऐसे बच्चों को हेल्प करना था, दैट इज़ द सिंगल पर्पज़। एवरी ईयर आई फाइंड थाउजेंड ऑफ मैसेजेस जो मेरे को बोला, हम बोल देंगे थैंक यू टीम कॉम्पिटिशन, आपकी वजह से मैं पढ़ पाया, तो हमारे लिए तो वही उससे बड़ा कोई भी जिसे बोलते हैं पैसा नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन गेट। तो अगर कोई कुछ कुछ बच्चे देखे हमारे पास ऐसे भी आते हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक बच्चा आया, उसके पापा बेचारे मजदूरी करते हैं, है ना, अब वो बोला कि नहीं मैं तो पेन में पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ोगे भाई यूट्यूब में क्यों नहीं पढ़ सकते, कि नहीं मेरा क्या बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता। अरे बेवकूफ़ हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू से ये दिस थिंग कि डिसिप्लिन नहीं रह पाता, तुम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें घर की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि भाई तुम्हारे पापा को ये जो फीस देंगे कहीं पे भी जाके जो फीस देंगे, अगर ऑफलाइन में पढ़ रहा है एक डेढ़ लाख की फीस होगी कम से कम, जहाँ पे अगर कहीं ढंग की जगह पढ़ोगे तो एक डेढ़ लाख की फीस देने के लिए उनका अगला छः साल तक उन्हें हो सकता है कि वो उतारना पड़े पैसा। तुम्हें एक बार मतलब इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतने तो बड़े हो ही गए हो कि ये सोचो कि भाई पापा मेरे मजदूरी करते हैं, उन्हें 10-10, 12-12 घंटे फिजिकल वर्क करते हैं, ये ठीक है, और तुम लाट साहब ऐसे हो कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कि मैं डिसिप्लिन वे में नहीं रह सकता। अगर फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है तो सभी को थोड़ा थोड़ा चिप इन करना पड़ता है, सभी को थोड़ा थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, परिवार के हर सदस्य को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने डैडी को बिल्कुल जोत दो कि मेहनत तो तुम करो, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे को कोचिंग कराओ, इतनी बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो बंदा 10-12 घंटे अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, तो आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो इतने तो मैच्योर होते हैं कि भाई बचपन से देखा होता है कि पापा सुबह जाते हैं रात को आते हैं, कोई किसी तरह का कोई ऐशो आराम नहीं है, पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए करें, हमारे लिए करें, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है ना, मतलब आप अपने मन पर कंट्रोल क्यों नहीं रख सकते, जब आपको सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं क्यों पैसा खर्च करें, मतलब क्यों पेड कोर्स भी लेना है तो भी हम 25-30 हज़ार क्यों खर्च करें, या फिर ऑफलाइन लेना है तो 1-1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करें, आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे वहाँ पे भी खर्चा होगा, प्लस अगर तुम ऑफलाइन कहीं कर रहे हो तो वहाँ पे रहने खाने का भी खर्चा होगा। मतलब आपने जो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स की टफ लाइफ है उसको तो हेल बना दिया। तो ऐसे बच्चों को मैं ये जरूर बोलूँगा कि बेटा अगर घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो सभी को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, तुम्हें भी मेंटली सहयोग करना पड़ेगा, मतलब तुम तो और ज़्यादा फायदा जानी चाहिए कि मैं तो काफ़ी जगह तो ऐसे होते हैं कि पेरेंट बेचारे खुद बोल देते हैं कि बेटा पढ़ ले, है ना, हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे इंतजाम, बट बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो यूट्यूब से मैं पढ़ के निकाल दूंगा, मेरे को चाहिए ही नहीं पैसा ऐसा जिसके साथ कंडीशन अटैच हो, जिसके साथ दूसरे की मिजरी अटैच हो। तो ऐसे बच्चे जो स्पेशली जिनके घर में अगर इतनी दिक्कत है कि उन्हें फीस देने के बाद उन्हें मतलब 1-2 साल लग जाएगा या 2-3 साल लग जाएगा रिकवर करने में फाइनेंशियली घर वालों को, तो बेटा ऐसे के बी स्ट्रांग, ये ठीक है, ये तो फिर तो तुम्हारे दिमाग में आग लग जानी चाहिए कि मैं ऐसे ही निकाल के दिखाता हूँ, हर साल और भी बच्चे निकालते हैं, जब वो निकालते तुम भी निकाल सकते, फिर क्यों बहाने चले। तो आई विल से कि ऐसे बच्चों को तो यूट्यूब पे ही जाना चाहिए स्ट्रिक्टली आई विल से, वरना क्या होगा फालतू तुम्हारे दिमाग में एक बोझ रहेगा, अभी समझ में नहीं आता, हो सकता है 4 साल बाद तुम्हें समझ में आए कि यार मैं तो बहुत बड़ी गलती करती थी पेरेंट्स को इतने प्रेशर में डाल के। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल पेड बैच, अगर एज पे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे कि यूट्यूब इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट करना है वो तुम्हें अपने अटेंशन और अपने डेडिकेशन से पे करना है, विच यू कैन डू बिकॉज दैट इज़ इन योर हैंड, और कुछ भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, तो ये तो अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इसी नोट के साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जेई 2024 के लिए, उनको ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन, और किसी भी तरह का डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, हमारी टीम आंसर करने की कोशिश करेगी, अभी नहीं तो हो सकता है 1-2 दिन बात करने की कोशिश करें। किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, किसी भी तरह का आपको जिसे बोलते हैं ना शक है या डाउट है, तो आप पूछो कॉमेंट सेक्शन में, और कम से कम आई विल से कि जो बच्चे YouTube से ही पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत फाइनेंशियली होगी, तो वो वायदा करें अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, और कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि मैं YouTube चैनल से पढ़ के, YouTube चैनल से या हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के JEE निकालूंगा, और अपने पेरेंट के चेहरे पे खुशी लेके आऊँगा
इसी नोट के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।